हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के सेशन में है। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं फिजिकल एजुकेशन के। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज मैंने डिटेल में बताया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया हुआ है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस हमने बीपीएससी टीआई 2 में पूरे चैप्टर का एक एक करके कराया हुआ है डिटेल में। एंड 2024 के सेशन में ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट है ये 92वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, बने रहिए डेली बेसिस पे मेरे साथ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसा सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हम इसे कहते हैं सीखने में पठार। ठीक है, जो हमारे वक्र होता है वह न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, सीधे सपाट हो जाता है, पठार जैसे देखे हैं। ठीक है, न आगे बढ़ता है न पीछे। ठीक है, वक्र की रेखा ना ऊपर जाती है न नीचे, एक समान होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीखने के वक्र के प्रकार जो है, मैंने आपको साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, उसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। सीखने के वक्र के जो है वह तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जब आपकी जानते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है एक जटिल मानसिक क्रिया है, जो सीखने वाले के जो स्वभाव, सीखे जाने वाले के कार्य की प्रकृति कैसी है, समय की अवधि कैसी है, उपस्थित परिस्थितियां कैसी है, वातावरण क्या है, इन सब स्वरूप द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो सीखने के वक्र के तीन प्रकार होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक एंड मिश्रित वक्र। ऋणात्मक वक्र में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की जो गति होती है तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। इसमें जो नौ सीखने की परिस्थितियां जहां पर कार्य आसान होता है और पहले से अनुभव होता है, वहां पर ऐसा वक्र बनता है। धनात्मक प्रगति सूचक वक्र क्या होता है कि आरंभ में मंद होता है सीखने की गति और बाद में तीव्र होता है। इसमें धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति बढ़ती जाती है और अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा ही इसमें वृद्धि होती है। एक होता है मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन करो, जिसमें प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार जो है, प्रकृति के अनुसार वो घटता बढ़ता जाता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, यस या सी आकार का दिखने में जैसा लगता है वक्र। लेकिन एक ऐसा समय आता है सीखने के वक्र में जो पठार होता है उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती, यानी कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई देती है और वक्र की रेखा जो है नीचे या ऊपर न जा करके सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है। इसी को सीखने में पठार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कहेगा कि सीखने में पठार जो उत्पन्न हो गया है उसको निवारण कैसे किया जा सकता है, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसके थकान को दूर करेंगे और नवीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग करेंगे, व्यक्तियों की रुचि पर ध्यान रखेंगे और बुरी आदतों पर निवारण करेंगे, समय स्थान और समय का परिवर्तन करेंगे और रोगों का उपचार, जो भी कारण होगा उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित की? तो मनोविश्लेषण नाम सुनते ही आपने टिक मार दिया होगा, सिगमंड फ्रायड। एंड मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी जो साइको एनालिटिक थ्योरी है दिया है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है। तो दोस्तों, मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छाएं और निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट, इन सभी में व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एरॉस सूचित करता है। तो एरॉस क्या सूचित करता है? एरॉस जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक पिता कौन है? इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसमें से आंतरिक पिता या नैतिक मन जो है ऊपर सुपर ईगो को कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? दोस्तों, प्रारंभ में हम मातृभाषा का प्रयोग करके ही हम उत्तम शिक्षा को बालक के द्वारा हृदयंगम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व
पाठ को क्यों दोहराया जाता है। जैसे को कोई हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके पूर्व पाठ को हम दोहराते हैं कि पिछले पाठ में हम क्या पढ़ी थी। क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों? क्योंकि पूर्व पाठ से नवीन पाठ को कनेक्ट करने के लिए, संबंधित करने के लिए, जिससे नया पढ़ाने वाला पाठ आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? तो दोस्तों विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण तब प्रभावी हो सकता है जब हम बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दें, उनको समझे। जैसे 40 बच्चे हैं, सभी के मानसिक स्तर अलग अलग हैं, तो हम किसी के मानसिक स्तर थोड़ा उच्च है, किसी का निम्न है, उसके अनुसार हम शिक्षा दें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या मुख्य रूप से आवश्यक है? तो दोस्तों प्रभावी या सफल शिक्षण आप दे रहे हैं तो बीच बीच में हम एग्जाम्पल दे करके विषय को और स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ पे व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के किस विकास में सारी शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों सामाजिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी का विकास करता है बालक के सारे शिक्षा जो है वो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? तो दोस्तों जब तक आपको स्वयं में संतुष्टि नहीं होगा तो वह शिक्षा बेकार है। यानी कि आपकी शिक्षा जो है वो आत्मसंतोष देने में सफल होता है। नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? यदि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप सबसे ज्यादा किस यहाँ पे सबसे अधिक पढ़े लिखे होने पर हम बल देंगे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में पूर्ण रूप से सहायक होता है? दोस्तों तो उत्तम शिक्षा आप ग्रहण किए हैं और आत्मनिर्भर न हो सके तो वो शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। तो दोस्तों उत्तम शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनाने में निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? जैसे कि आप जानते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का खोज 1920 में रेंडरी व गर्जनर विकिला ने किया था, सहनशीलता व गति सहनशीलता का डेवलप कर विकसित करने के लिए। इसके ट्रेस प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इस विधि को रेस्ट एंड कैफोर्ड, आराम या प्रयास विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अभ्यासों के बीच जो है रिकवरी जो है इनकम्प्लीट दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको खोजा तो गया था 1920 में, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1930 में। यहाँ पे दिया हुआ है बट ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रशिक्षण विधि अभ्यास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति क्षतिपूर्ति फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ, इस सिद्धांत यह अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आधारित है। दो अभ्यासों के बीच इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। जैसे कि हृदय गति हमारा अभ्यास करते समय 180 तक पहुंच जाता है और इनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर जब हृदय गति 120-130 तक पहुंच जाता है तो पुनः अभ्यास को शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है, फिर कुछ समय तक आराम करके पुनः क्रिया को आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की है? आप सबको पता है ये फॉर्टलेक प्रशिक्षण ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है किसी न किसी माध्यम से। तो यह स्वीडिश देश की है और फॉर्टलेक शब्द ही स्वीडिश शब्द है। फॉर्टलेक मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने एंडोरेंस डेवलप करने के लिए किया था। तो याद रखिएगा यह स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले यानी गतिज खेल। ठीक है, यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से, नॉट प्रॉपर प्लानिंग ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लेजियम के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई यहाँ पे 15 से 18 इंच के लगभग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, 1982 एशियन खेलों में कितने व्यक्तियों के समूह ने लेजियम का प्रदर्शन किया था? तो लगभग 400 व्यक्तियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या होता है? जो मानक होता है तो वह माध्य या माध्यिका होता है, या स्टैटिक्स क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो अधिकतर ये सतमक मानक जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? तो पवित्र हथियार अवस्था है लेजियम की, पीछे छलांग फलांग है, चार आवाज है, जबकि जानतिक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं होता है, यह कौन सी सिद्धांत है? तो दोस्तों, जब क्रियाशील की बात हो रहा है या यहाँ पे क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत होगा, सीखने के जो सिद्धांत है 10-12 सिद्धांत, जैसे कि वार्मिंग अप का सिद्धांत, कूलिंग डाउन का सिद्धांत, व्यक्तिगत निर्भरता का सिद्धांत एंड क्रियाशीलता का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत को मैंने आपको बताया हुआ है, स्पोर्ट ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण की एक ही खिलाड़ी को प्रशिक्षक जो है एक ही खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करेगा, यह कौन सा सीखने का सिद्धांत है? यह क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों, यह चक्रीयता का सिद्धांत है, जो प्रशिक्षण चक्र को 3 भागों में बांटा गया है चक्रीयता के सिद्धांत के अनुसार, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में बांटा गया है? 3 भागों में, मैक्रो, मैक्रो, मीजो, माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना होता है, यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल चक्र जो होता है मैक्रो चक्र कहलाता है, जिसमें सभी चीजों का सही उपयोग किया जा सके, तो ज्यादा लंबा समय रहेगा तभी हो पाएगा। तो आपको पता ही है कि 3 ट्रेनिंग प्रशिक्षण ट्रेनिंग चक्र होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र जो है ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है 3 से 12 महीने या 1 साल का, और दूसरा चक्र होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मास्टर ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी कहते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह या 1 से 1.5 माह का होता है। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, सबसे छोटा चक्र, जो 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मैक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ, वार्षिक चक्र या ट्रेनिंग योजना भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक चक्र। नेक्स्ट है, मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयारी काल अवस्था किस चक्र की कहा जाता है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि मीजो चक्र को, जो 3 से 6 सप्ताह या 1 से 1.5 माह का होता है, तो मीजो चक्र को तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एमएमआर का इंजेक्शन कितनी माह में लगता है? तो एमएमआर का जो इंजेक्शन है लगभग 15 माह में लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जाता है? तो भौतिक विसंक्रामक विधि भी अपनाया जाता है, प्राकृतिक विसंक्रामक भी अपनाया जाता है, रासायनिक विसंक्रामक भी अपनाया जाता है, उपरोक्त सभी विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वायु द्वारा फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? तो दोस्तों, चेचक, स्मॉल पॉक्स, जो विषाणु यानी कि वायरस से फैलने वाला है, वेरिवला वायरस से, ये भी वायु द्वारा फैलता है। खसरा यानी मीजल्स जो है, यह भी आरएनए पैरामिक्सो वायरस से फैलता है, जिसे रेबीज या खसरा यानी मीजल्स कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, तो यह भी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यह जो है इसे क्षय रोग भी कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, तीनों के तीनों वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पे हैजा जो है, जो जिसे कॉलेरा भी कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से फैलता है, यह भी जल द्वारा फैलने वाला दूषित जल से होता है। टाइफाइड जो है, जिसे हम मियादी बुखार या मोतीझरा या आंत ज्वर भी कहते हैं, आंतों को प्रभावित करता है, यह साल्मोनेला टाइफी या एबस्थला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। अतिसार यानी डायरिया जो होता है, जो
पतला जो है टट्टी होता है तो उसे अतिसार या डायरिया कहते हैं। तो ये सभी चीजें जल द्वारा फैलने वाली रोग है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के लिए योग्य बनाता है। तो जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन की जहां भी बात करें वहां पे राइट आंसर हो जाएगा परिभाषा, जे एफ विलियम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा होता है, जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं, यह परिभाषा किसका है दोस्तों? सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा, तो यह परिभाषा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्द से हुई है। दोस्तों किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों काइनेसिस एंड लोगस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काइनेसिस का गति और लोगस का अध्ययन, यानी गति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे काइनेसिस एंड लोगस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यहाँ पे KINESIS रहेगा, ठीक है, यहाँ पे SIS नहीं लिखा है, काइनेसिस एंड लोगस, काइनेसिस का अर्थ होता है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काइनेसिस शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पे KINESIS होगा, ठीक है, तो काइनेसिस का अर्थ होता है गति यानी कि मोशन यानी चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? आप सबको पता है बीच में मोटा हड्डी स्टर्नम होता है, और स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, मेनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफॉइड, एंड इसी में दोनों तरफ 12-12 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं, 12-12, इसलिए जोड़ों में पूछेगा तो 12 और बिना जोड़ों में पूछेगा तो 24 होती है, क्योंकि दोनों तरफ 12-12 होती है, यहाँ पे 12 आपका राइट हो जाएगा। 12 पसलियों को तीन भागों में बांटा गया है, ऐसे तो दो ही भागों में बांटा गया है दोस्तों, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स में 7 होते हैं जो प्रत्येक अलग अलग प्रत्येक पसलियाँ अलग अलग स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिब में 2 शामिल हो जाता है, फ्लोटिंग रिब्स भी। फॉल्स रिब में 5 आएंगी जिसमें से 3 8वीं 9वीं या 10वीं जो है स्टर्नम से जुड़ने से पहले तीनों आपस में जुड़ के मिल जाती हैं, और 11वीं 12वीं जो पसलियाँ होती हैं वह बिल्कुल अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तीन भाग है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, लेकिन इसको दोनों दो में ही मर्ज कर देता है, एग्जाम्स में दो ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है, यानी जो हड्डियों का जोड़ होता है, ज्वाइंट पर कौन सा तरल पदार्थ होता है जो हड्डियां घिसती नहीं है, उसमें लुब्रिकेट्स बना रहता है, तो होता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। जब ये कमी आने लगती है तो हम चलने में दिक्कत होता है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संधि चल संधि नहीं है? तो कलाई की संधि, जो कार्पस टॉर्सस कार्पस ज्वाइन होता है, यह ग्लाइडिंग ज्वाइन के अंतर्गत आता है, जो चल संधि के अंतर्गत आएगा। कोनी संधि जो हिंज ज्वाइन के अंतर्गत आएगा, जो चल संधि के अंतर्गत आएगा। गेंद और गंडा संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, आपका कंधा और हिप होता है, ये भी चल संधि के अंतर्गत आएगा। जबकि कपाल की संधि यानी खोपड़ी की संधि जो है वो अचल संधि के अंतर्गत आता है, खोपड़ी की संधि को हम सूचर ज्वाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेंद और गड्ढा संधि किस शरीर के अंग में होती है? तो गेंद गड्ढा यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन जो है हमारे कंधों और कुल्हों में होती है, जो सभी दिशाओं में गति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चूलदार संधि यानी हिंज संधि है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि हिंज संधि में एक तरफ ही गति होती है, एक अक्ष में गति होती है, और जिसमें हमारा एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंज संधि घुटने का जोड़, आपका राइट आंसर होगा कौन सा जोड़? घुटने का जोड़, ठीक है। तो हिंज संधि के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी रीढ़ कशिकाओं में एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को संधि को क्या कहते हैं? तो इसे कीलदार संधि कहते हैं दोस्तों, और इसे पीवट ज्वाइंट भी कहते हैं, जो
रोटेशन मूवमेंट करता है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? तो मानव शरीर के जितना कुल भार है उसमें मांसपेशियों का केवल 45% भाग है, मतलब 45% भार मांसपेशियों का ही हो जाता है, जिसमें से तीन प्रकार की मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां, जिसमें से 40% भाग केवल ऐच्छिक पेशियों का ही हो जाता है, कंकाल मांसपेशियों का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 कुल मांसपेशियां होती हैं दोस्तों, जिसमें से आपका यहाँ पे 639 नहीं दिया है, तो 600 से ज़्यादा आप लगाएंगे, 639 से ज़्यादा यानी 550 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं? दोस्तों फेफड़े, आंत ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, हृदय एक अपना अलग प्रकार के हैं, ये भी अनैच्छिक है, हाथ पैर जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, ये आपका हाथ जो है आपका ऐच्छिक मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी कार्य करती है? तो दोस्तों हृदय मांसपेशी जो है एक अनैच्छिक की तरह कार्य करती है, इसकी संरचना ऐच्छिक की तरह है लेकिन कार्य करती है अनैच्छिक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ दौड़ के लिए ग्रीसवासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते हैं? तो उस समय सीधा पथ बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाथलान नामक शब्द में पेंटा और एथलान से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पेंटाथलान जिसमें कंबाइंड इवेंट के अंतर्गत डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान एंड ट्राइथलान आता है, तो पेंटाथलान जो होता है इसका मतलब पेंटा से पांच और थलान से पत्तियां होता है, यानी पांच पत्ते इसका अर्थ होता है। ठीक है, पेंटाथलान में पांच इवेंट्स होते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए होता है। इसमें पांच इवेंट्स होते हैं, फेंसिंग यानी तलवारबाजी एंड तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स जंपिंग, शूटिंग एंड क्रॉस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी? तो प्लेटो ने जो आदर्शवाद यानी कि आइडियोलिज्म के संस्थापक हैं, इन्होंने मल्ल युद्ध में दक्षता प्राप्त की थी। दोस्तों ये था आज का 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।